हेलो गाइस, कैसे हैं आप? माय नेम इज सीए विवेक धर्मशी और आज हम एक और एक वीडियो बना रहे हैं। और ये जो वीडियो है ये है पार्टनरशिप एक्ट का पार्ट 7। यस, हमने इसके पहले 6 पार्ट्स बना लिए हैं और ये हमारा 7th पार्ट है। आई रिक्वेस्ट, अगर आपने पहले 6 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप पहले वो देख लीजिए, बिकॉज हर पार्ट एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। तो अगर आप पहले पार्ट 6 देखे हैं तो आपको पार्ट 7 जो है वो और भी अच्छी तरह से समझ में आएगा। श्योर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सेक्शन 31 से लेकर 38 तक सारे सेक्शंस देखने वाले हैं। श्योर, सेक्शन 31 से लेकर सेक्शन 38 तक, जहां पर सेक्शन 31 से लेकर 35 इज ऑल अबाउट consequences of partner coming in and going out. इसका मतलब ये है कि सेक्शन 31 से 35 will talk about all the scenarios like admission of partner होगा तो कैसे होगा, retirement of partner होगा तो कैसे होगा, death of partner होगा तो कैसे होगा, insolvency अगर हो गया तो कैसे हो गया, और एक्सपल्शन मतलब एक पार्टनर को फर्म से बाहर निकाल देना अगर वो रहा तो कैसे होगा। तो ये पांचों चीजें हमें यहां पर देखने मिलने वाली है सेक्शन 31 से लेकर 35 तक, और उसी की रिलेटेड लाइबिलिटीज और कुछ रूल्स हैं जो हम सेक्शन 36, 37 और 38 में देखेंगे। श्योर, इसलिए हम समझ लीजिए कि पूरा वीडियो ये पूरे सेक्शंस को अच्छी तरह से कवर करेगा। ओके, चलिए तो क्या शुरू करें हम लोग? आइए, क्वेश्चन आपका जो सबसे पहला सेक्शन है वो है सेक्शन 31, और सेक्शन 31 की हेडिंग है इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनर। इन शॉर्ट इसका मतलब है एडमिशन ऑफ पार्टनर। मतलब अगर एक पार्टनर को फर्म में एडमिट करना है तो उसके रिलेटेड क्या रूल्स हैं ये हमें देखना पड़ेगा। श्योर अबाउट दिस? चलिए, क्या कह रहा है? ये कह रहा है द लायबिलिटी ऑफ अ न्यू पार्टनर विल कमेंस फ्रॉम द डेट व्हेन ही इज एडमिटेड एज अ पार्टनर। मैं यहां तक पहले पढ़ता हूं, बाद में हम आगे देखेंगे। मतलब रूल कहता है, लेट अस से फॉर एग्जाम्पल देर इज अ पार्टनरशिप फर्म जिसका नाम है यूनिक सॉल्यूशंस, और इसके अंदर दो पार्टनर है, पार्टनर ए और पार्टनर बी। अब ये जो है फर्म, ये पिछले 5 साल से ऑपरेशंस में है, और अगर आज आप इनकी लाइबिलिटी साइड देखेंगे तो इनका लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज 5 करोड़ है। मैं कैपिटल नहीं कह रहा हूं, सिर्फ लाइबिलिटीज कह रहा हूं, 5 करोड़ है। अब अगर आज ये कोई नए पार्टनर को इंट्रोड्यूस करते हैं आज, और उस पार्टनर का नाम रहेगा सी, तो क्या सी इस 5 करोड़ की लायबिलिटी के लिए लायबल है? नहीं, क्योंकि क्वेश्चन कहता है उसकी लायबिलिटी कमेंस होती है कहां से, जहां से वो पार्टनर की तरह एडमिट हुआ है। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? पक्का? लेकिन अब यहां पर एक कहानी में ट्विस्ट है, थोड़ा ध्यान से देखिए। वो कहता है अनलेस ही एग्रीज दैट ही विल बी लाइबल प्रायर टू दैट डेट। लो बोलो, अब इसका मतलब यह है कि अगर पार्टनर सी खुद कहता है कि नहीं, मैं ये 5 करोड़ की जो लायबिलिटी है जो पिछले 5 साल में इंकर की गई है जब मैं पार्टनर भी नहीं था, मैं उसके लिए भी लायबल रहूंगा, वो एग्री कर रहा है कि मैं उसके लिए भी लायबल रहना चाहता हूं, तो रूल कहता है अब वो उसके लिए भी लायबल रहेगा। मतलब इट इज अप टू द इनकमिंग पार्टनर, अगर वो खुद से अपने आप को प्रीवियस लायबिलिटीज के लिए भी लायबल करवाना चाहता है तो फिर वो लायबल रहेगा। अगर ऐसा कुछ एग्रीमेंट में ना बोला हो तो बेसिक सा समझना है कि वो जब फर्म में एज अ पार्टनर इंट्रोड्यूस हुआ वहां से ही उसकी लायबिलिटी रहेगी। श्योर? पक्का? एवरीबॉडी?
अब थोड़ा समझिए, जैसे ये एग्जांपल को हम कंटिन्यू करेंगे कि पार्टनर सी ने कहा कि मैं ये 5 करोड़ की लायबिलिटी के लिए भी लायबल रहूंगा, और मैं ये आपको बोल रहा हूं कि ये जो 5 करोड़ की लायबिलिटी है ये एक लोन है जो 5 साल पहले लिया गया था, ठीक है। ये 5 करोड़ का एक सिंगल लोन है जो 5 साल पहले लिया गया था, आज 5 साल हो गए अब तक उसे नहीं चुकाया है, और वो जो लोन है वो मिस्टर रमेश ने दिया था। मैं यहां पर साइड में उसका नाम लिख रहा हूं, मैं बैलेंस शीट में नहीं लिख रहा हूं। मिस्टर रमेश करकर एक व्यक्ति है, उसने इस फर्म को 5 करोड़ का लोन 5 साल पहले दिया था। अब ये जो नया पार्टनर है सी, उसने एग्री किया है कि मैं इस 5 करोड़ के लिए भी क्या रहूंगा, लाइबल रहूंगा, यस और नो? रूल कहता है अगर आप नए पार्टनर को प्रीवियस लाइबिलिटीज के लिए लाइबल करवाना चाहते हो तो क्रेडिटर्स शुड एक्सेप्ट इट एंड डिस्चार्ज द ओल्ड पार्टनर्स। मतलब क्रेडिटर जो है, जो रमेश है, उसको इस बात का इन्फॉर्म करना पड़ेगा, जहां पर अब रमेश कहेगा ठीक है, अब जो मेरा पुराना कॉन्ट्रैक्ट था ए और बी के साथ वो चला गया, और अब मेरा नया कॉन्ट्रैक्ट रहेगा ए बी और सी के साथ। मतलब अब ए बी और सी तीनों मुझे लाइबल हैं, वो तीनों मेरे लिए डेटर्स हैं। तो क्रेडिटर की कंसेंट लेना हर केस में बहुत जरूरी है। लेकिन अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिल्कुल भी ध्यान से देखिए, ये वाला जो सेंटेंस है, ये वाला यहां पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से लेकर यहां तक प्लीज एवरीबॉडी, मैं इसको स्टार मार्क कर रहा हूं। अब ये स्टेटमेंट का मतलब ये है, लेट अस से फॉर एग्जांपल, एक रास्ते से एक दिन मिस्टर सी जा रहा था और सामने से ये रमेश आया, तो मिस्टर सी को मिस्टर रमेश ने सी से चिल्ला चिल्ला कर पैसे मांगने का शुरू किया, तो मिस्टर सी ने रमेश को कहा कि आई एम नॉट लाइबल टू यू। तो रमेश ने कहा झूठ मत बोलो, व्हेन यू वर एडमिटेड टू द पार्टनरशिप फर्म you agreed that you will be liable for all the liabilities that were incurred prior to your admission date, aur isiliye you are liable to me. to Mr. C ne kaha yes sir I am liable to you, but agar aap yahan par, ab dekhiye main yahan par aapko yellow kar raha hu, ye dekhiye, will not ipso facto give creditors any right against him. ye jo maine last line abhi yellow ki, iska matlab ye hai ki even though Mr. C ramesh ko liable hai, Mr. ramesh ke paas koi bhi adhikar nahi hai Mr. C se paise mangne ka, wo sirf a aur b se mang sakte hain, a aur b c se paise mangenge, lekin ek third party ke paas koi adhikar nahi hai ki wo jo naya partner hai उससे पैसे मांगे, बिकॉज मिस्टर रमेश का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो ए और बी के साथ हुआ था, ना कि सी के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पॉइंट याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में काफी टाइम स्टूडेंट इसमें मिस्टेक कर देता है, जबकि उसे ऐसा लगता है कि अब मिस्टर सी ने पुरानी लाइबिलिटीज के लिए हां बोला है, तो क्रेडिटर्स है हमारे, वो हमसे नए पार्टनर से भी पैसा ले सकते हैं। नहीं, लाइबल जरूर है, बट इट डज नॉट गिव द पावर of to the third party to demand money from that new partner. Sure about this? So that was something that I wanted to teach you in this part. One more point that I would like to state here is, कभी भी एक partner को तभी admit कर सकते हैं जब all existing partners हाँ बोले। ये भी एक point समझ लेना है। मतलब अगर समझ लीजिए आपका पहले से 4 partners है, A, B, C, D, और अगर आपको एक नया पार्टनर लाना है मिस्टर ई, तो गाइज ए बी सी डी चारों का परमिशन लगेगा। आप ऐसा बोलेंगे कि मेजॉरिटी, 3 ने हाँ बोला, एक ही ना बोल रहा है, तो मिस्टर ई को अब पार्टनर बनाएंगे, नॉट अलाउड। एडमिशन ऑफ पार्टनर के लिए ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स शुड एग्री, ये पॉइंट कहीं पर नोट हो जाना चाहिए। क्लियर? श्योर अबाउट दिस? क्या सेक्शन 31 जो कि एडमिशन ऑफ पार्टनर पर है, सबको समझ में आया? पक्का एवरीबॉडी? बस उसमें एक याद रखना है कि अगर नया आने वाला पार्टनर खुद से अपने आप को लाइबल करवाना चाहता है तो फिर वो लाइबल रहेगा, वरना वो उसकी लाइबिलिटी कहां से शुरू होगी? फ्रॉम द डेट व्हेन ही वॉज एडमिटेड। क्लियर? श्योर अबाउट दिस? नेक्स्ट सेक्शन 32। सेक्शन 32 क्या कहता है? सेक्शन 32 है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर पर। ओके, जैसे सेक्शन 31 एडमिशन ऑफ पार्टनर है, वैसे सेक्शन 32 रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर पर है।
अब ये रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के रिलेटेड क्या है? तो एक पार्टनर कब रिटायर हो सकता है? पहला, विद द कंसेंट ऑफ ऑल, राइट, विद द कंसेंट ऑफ ऑल, सब बाकी पार्टनर्स की परमिशन के साथ। सेकेंड, एज पर द एक्सप्रेस एग्रीमेंट, जैसा एग्रीमेंट में लिखा था उसके हिसाब से। या तो फिर थर्ड, अगर आपकी पार्टनरशिप एट विल है, आपको तो मालूम है हमने पिछले पार्ट में कर लिया है, अगर आपकी एक पार्टनरशिप एट विल है, मतलब कभी भी कोई फिक्स टर्म या वेंचर के लिए तो फर्म नहीं बनाई गई थी, तो वो सिर्फ एक नोटिस दे सकता है राइटिंग में बाकी सब पार्टनर्स को, और वो कह सकता है कि मुझे रिटायर होना है। क्लियर? तो एज पर द एग्रीमेंट चलिए, या तो फिर आप सबको पूछ कर करिए, या तो फिर अगर एक बेसिक पार्टनरशिप एट विल है तो आप बस राइटिंग में दूसरे पार्टनर्स को बता दे कि मुझे रिटायर होने की इच्छा है, मैं ये फर्म छोड़ना चाहता हूं, और आप रिटायर हो सकते हैं। क्लियर है? अब थोड़ा समझिए, रिटायर होने से क्या आपकी लाइबिलिटीज से भी आप मुक्त हो जाओगे क्या? सो लेट अस से फॉर एग्जांपल, ये आपकी बैलेंस शीट है, ठीक है, और आपकी फर्म में तीन पार्टनर है, ए, बी और सी, और आपका यहां पे लायबिलिटी है 10 crores, ठीक है। अब यहां पर ये जो मिस्टर सी है, ये रिटायर होना चाहता है, ये कहता है मुझे फर्म छोड़कर जाना है। अब मुझे बताइए, अगर ये मिस्टर सी रिटायर ना होता तो ये 10 करोड़ के लिए कौन जिम्मेदार है, कौन लायबल है? यस, यू आर राइट, ए, बी एंड सी तीनों। लेकिन अब अगर सी छोड़कर चला जाए तो हम क्या कहेंगे, कौन लायबल है, ए बी सी या सिर्फ ए और बी? यस, द करेक्ट आंसर इज ए बी एंड सी ऑल्सो। आपका फर्म से रिटायर होना डज नॉट डिस्चार्ज योर लायबिलिटी, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। सर कोई तरीका नहीं है, एक तरीका है। सर क्या? ध्यान से देखिए, अगर ए और बी, ओके, ए और बी अगर थर्ड पार्टी के साथ एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि ए बी कहते हैं हम ही तुझे भरेंगे, एंड लेट अस गिव रिलीफ टू मिस्टर सी, तो फिर आप की लायबिलिटी डिस्चार्ज हो जाएगी। मैं फिर से एक बार कह रहा हूं, लेकिन कब होगी, अगर आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर और थर्ड पार्टी मिलकर अगर आपको रिलीफ देना चाहे तो वो दे सकते हैं। तो यहां पर क्या लिखा है, अ रिटायरिंग पार्टनर मे बी डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटी टू द थर्ड फर्म फॉर द एक्ट्स डन बिफोर हिज रिटायरमेंट बाय एन एग्रीमेंट मेड बाय हिम विद सच थर्ड पार्टी एंड द पार्टनर्स ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। अगर वो चाहे तो ऐसा कर सकते हैं। एंड सच एग्रीमेंट मे बी इम्प्लाइड बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन पार्टीज एंड द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म आफ्टर ही हैड द नॉलेज ऑफ रिटायरमेंट। तो मैंने आपको अभी बताया, अगर थर्ड पार्टी और रिमेनिंग पार्टनर्स मिलकर ये डिसाइड करें कि रिटायरिंग पार्टनर को जाने दो, तो वो जाने दे सकते हैं। श्योर अबाउट दिस? पक्का? अब रूल कहता है, जब तक आप अपनी रिटायरमेंट की पब्लिक नोटिस नहीं दे देते, यू विल कंटिन्यू टू बी लायबल इवन इफ यू हैव रिटायर्ड। अब थोड़ा सोचिए, आपका चुपचाप से रिटायर हो जाना डज नॉट रिलीव यू फ्रॉम ऑल द लायबिलिटीज ना। लेट अस से फॉर एग्जांपल, तीन पार्टनर्स हैं, ए बी सी, सी एक सीनियर पार्टनर है और उसी को देखकर दुनिया जो है आपकी फर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, राइट। अब सी एक दिन ए और बी को बोल के चला गया कि मैं रिटायर हो रहा हूं, लेकिन सी ने पूरी दुनिया को तो बताया ही नहीं कि अब वो उस फर्म में पार्टनर नहीं रहा, जबकि बाकी की फर्म्स तो सी का ही चेहरा देखकर ए और बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है कि कल जाकर कुछ हुआ तो हम क्या करेंगे, सी से पैसा ले लेंगे, बिकॉज सी जो है वो बड़ा ही ईमानदार है। बट सी तो यहां पर रिटायर हो गया, तो सी तो चला गया, तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, सी विल स्टिल बी लायबल बिकॉज सी ने पब्लिक नोटिस नहीं दी है। पब्लिक नोटिस देना जरूरी है, अगर सी पब्लिक नोटिस देकर चला जाता तो नोटिस के डेट से ही इज नॉट लायबल फॉर एनी लायबिलिटीज दैट द फर्म फर्दर इंकर्स। हाँ, नोटिस देने तक जितनी भी लायबिलिटीज है उसके लिए तो रिटायरिंग पार्टनर लायबल रहेगा, ये तो हमने अभी देखा। श्योर अबाउट दिस? पक्का? अब ये वाला स्टेटमेंट को एकदम अच्छी तरह से देखिए, ये जो ये देखिए मैंने ब्रैकेट बनाया हुआ है, ये देखिए, ओके,
ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है? ये कहता है प्रोवाइडेड दैट अ रिटायर्ड पार्टनर इज नॉट लायबल टू एनी थर्ड पार्टी हु डील्स विद द फर्म विदाउट नोइंग दैट ही वाज अ पार्टनर। अब इसका मतलब क्या है, थोड़ा ध्यान से देखिए। अगर दो मिनट आपको मालूम है हमारे तीन पार्टनर्स थे ए बी सी, अभी मैं आपको कहता हूं मेरी जो सी है ना ये एक्चुअल में स्लीपिंग पार्टनर था। अब आपको मालूम है कि स्लीपिंग पार्टनर का मतलब होता है जो डे टू डे एक्टिविटी में पार्ट नहीं लेता, राइट। अब समझ लीजिए कि सी जो कि एक स्लीपिंग पार्टनर था, वो किसी को दुनिया में पता नहीं था कि इस फर्म में सी बी नाम का एक पार्टनर है। लोगों को बस ऐसे ही लगता था कि दो ही पार्टनर है ए और बी, ठीक है, बिकॉज सी स्लीपिंग पार्टनर था, वो कभी किसी को दिखा ही नहीं, वो सिर्फ ऑन बुक्स था। अब समझ लीजिए सी छोड़कर चला गया और सी ने जब रिटायर हुआ तो उसने कोई पब्लिक नोटिस नहीं दी। 6 महीने तक उसके जाने के बाद भी फर्म और लाइबिलिटीज इंकर करती रही और जब समय आया तो क्रेडिटर को पता चला कि देयर वर 3 A B and C और उसने सी से भी पैसे मांगे। जब सी ने कहा कि आई एम नॉट लाइबल तो उसने कहा यू आर बिकॉज आपने कोई भी पब्लिक नोटिस नहीं दी है। तो सी हंसने लगा और उसने कहा कि आपने एक्ट नहीं पढ़ी। सी कहता है अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि वैसे भी आपको कभी पता नहीं था कि मैं इस फर्म में पार्टनर था तो मेरे चुपचाप जाने से रिटायर हो जाने से आपको क्या फर्क गिरता है। इसीलिए उन्होंने ये पॉइंट डाल दिया कि अगर रिटायरिंग पार्टनर विल बी नॉट लायबल टू थर्ड पार्टी हु हैज ऑलवेज डेल्ट विद फर्म विदाउट द नॉलेज दैट ही वॉज अ पार्टनर। पूरा समझ में आ गया? श्योर। अच्छा लास्ट पॉइंट ये कहता है जो नोटिस आपको पब्लिक नोटिस देनी है, एक तो वो रिटायरिंग पार्टनर भी दे सकता है या तो रिमेनिंग पार्टनर्स ऑफ द फर्म भी दे सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि जैसे मिस्टर सी को ही नोटिस देना है, मिस्टर ए और बी भी सब थर्ड पार्टीज को नोटिस दे दे कि सी अब हमारे साथ नहीं रहा है तो भी चलेगा। तो पब्लिक नोटिस कैन आइदर बी गिवन बाय द रिटायर्ड पार्टनर और इट कैन ऑल्सो बी गिवन बाय द पार्टनर्स दैट विल स्टे आफ्टर द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? एकदम अच्छी तरह से समझ में आ गया? प्रॉमिस। बढ़ जाऊं आगे? चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन सेक्शन 32 था। अब सेक्शन 33। सेक्शन 33 टॉक्स अबाउट एक्सपल्शन। अभी एक्सपल्शन का मतलब है फर्म से बाहर निकाल देना, किक आउट कर देना। यस। अब आप बोलेंगे सर एक्सपल्शन इतना क्या हो गया? अब हो सकता है कि एक पार्टनर के ग्रॉस नेग्लिजेंस की वजह से फर्म को काफी महीनों तक या काफी दिनों तक नुकसान बेयर करना पड़ रहा है या बाकी के पार्टनर्स आर नॉट कंफर्टेबल विद सच पार्टनर और वो चाहते हैं कि अब इसे जबरदस्ती फर्म से निकाला जाए। तो फर्म से अगर आपको किसी को एक्सपेल करना है, याद रखिए इसमें काफी पॉइंट्स है। द फर्स्ट पॉइंट इज कि आपका जो पार्टनर्स का कॉन्ट्रैक्ट है उस कॉन्ट्रैक्ट में एक्सपल्शन पावर्स रहने चाहिए। आप बोलेंगे सर मतलब हमने जो पार्टनरशिप डीड बनाई थी पार्टनर्स ने सबने मिलकर, उसमें ये एक्सपल्शन के प्रोविजंस रहने चाहिए। यस सर, बट हमारे कोई एग्रीमेंट में तो ऐसा एक्सपल्शन का कोई मेंशन ही नहीं है। हाँ, तो फिर समझ लीजिए ये सेक्शन आपके कोई काम का नहीं है। आप कोई भी पार्टनर को निकाल नहीं सकते। सर बट मुझे जमी नहीं रहा उस पार्टनर के साथ। हाँ, तो फिर आपके पास अब एक आखिरी रास्ता है, डिसोल्यूशन। आप फर्म डिसॉल्व कर दीजिए, बात खत्म हो गई। ओके ओके ओके, मतलब एक्सपल तो अब चला गया बिकॉज मेरे डीड या एग्रीमेंट में ही एक्सपल्शन की पावर्स नहीं लिखी गई। यस सर, मेरे इसमें समझो लिखा है तो रूल कहता है अब आपको क्या करना है। सेकंड, ये पावर मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स एक्सरसाइज कर सकते हैं। ओके, एंड इट शुड बी डन इन गुड फेथ। इसका मतलब क्या है थोड़ा ध्यान से देखिए। लेट अस से फॉर एग्जांपल 4 पार्टनर्स थे ए बी सी और डी, ठीक है, और ए जो है वो बहुत ज्यादा ग्रॉस नेग्लिजेंस हो रहा था और इसीलिए बाकी पार्टनर्स को लगा कि ए को निकाल देना चाहिए बिकॉज ए कोई ढंग से काम कर नहीं रहा और उसके काम से फर्म को नुकसान ही नुकसान हो रहा है। अब आपके पास बचे हैं कितने पार्टनर्स? 3। अब ये तीनों को मिलकर फैसला करना है कि क्या हमें ए को बाहर निकालना है या नहीं निकालना है।
समझ के चलिए कि आपने सोचा अब निकालना है। तो रूल कहता है जरूरी नहीं कि तीन में से तीन लोग हाँ कहे, अगर मेजॉरिटी मतलब तीन में से दो भी अगर लोगों ने कहा कि इसे बाहर निकालो तो फिर आपको बाहर निकालना पड़ेगा। लेकिन ये सोचिए यहां पर थर्ड पॉइंट में क्लियर लिखा है गुड फेथ। गुड फेथ का मतलब ऐसा ना हो कि बीसीडी सिर्फ ए से बदला निकालने के लिए उसको फर्म से बाहर निकाल रहा है। सच्ची में ए ने ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे फर्म को नुकसान पहुंचा है और इसीलिए बीसीडी ए को निकालना चाह रहे हैं। श्योर अबाउट दिस? अब तक तीन कंडीशन समझ में आई, एक्सपल्शन का पावर एग्रीमेंट में मेंशन हो, सेकेंड ये पावर मेजॉरिटी भी लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं, और थर्ड गुड फेथ में रहना चाहिए, हमारे ओवरऑल पार्टनरशिप फर्म के इंटरेस्ट में रहना चाहिए। श्योर? पक्का? अब रूल कहता है इट शुड बी सर्व्ड विद अ नोटिस। तो जिस पार्टनर को आप निकाल रहे हो उसे नोटिस भेजनी पड़ेगी, और याद रखें उसे भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाए, आप उसकी बात सुने बिना उसको बाहर नहीं निकाल सकते। क्लियर? श्योर। रूल कहता है अगर पार्टनर अदरवाइज एक्सपेल्ड किया, अदरवाइज मतलब क्या, जैसे एग्रीमेंट में लिखा ही नहीं था, या मेजॉरिटी लोगों ने हाँ नहीं बोला, या गुड फेथ में नहीं है, आपने कुछ बदला निकालने के लिए ऐसा किया है, तो ऐसे एक्सपेल्शंस की लॉ में कोई वैल्यू नहीं है, इट इज नल एंड वॉइड, और नल एंड वॉइड का मतलब है जीरो वैल्यू। श्योर अबाउट दिस? ही विल कंटिन्यू टू बी अ पार्टनर। रूल कहता है एक्सपल्शन हुआ इसका मतलब डिसोल्यूशन हो गया जरूरी नहीं है। इनवैलिड एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर डज नॉट पुट एन एंड टू पार्टनरशिप इवन इफ इट इज अ पार्टनरशिप एट विल एंड ऑब्वियसली इट विल कंटिन्यू एज बिफोर। परफेक्ट। तो हमने तीन चीजें करी, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड एक्सपल्शन। चलिए बढ़ जाऊं आगे। इनसॉल्वेंसी। अब अगर एक पार्टनर अगर इनसॉल्वेंट हो गया तो ये पांचों चीजों को ध्यान में रखना है एकदम अच्छी तरह से। पहला, इनसॉल्वेंट पार्टनर कैन नॉट बी कंटिन्यूड एज अ पार्टनर। मतलब अगर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो ही सीजेस टू बिकम अ पार्टनर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन। मतलब जिस दिन कोर्ट का ऑर्डर आया कि ये व्यक्ति इंसॉल्वेंट है, आपका एडजुडिकेशन इंसॉल्वेंट है, आपका एडजुडिकेशन ऑर्डर आया, उसी दिन से ही इज नो मोर अ पार्टनर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। क्लियर? द एस्टेट ऑफ इंसॉल्वेंट इज नॉट लाइबल फॉर द एक्ट्स डन आफ्टर द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन। मतलब ये कह रहा है कि समझ लीजिए आज ऑर्डर पास हुआ और आज है 26th May, ठीक है, आज ऑर्डर पास हुआ कि ये पार्टनर इंसॉल्वेंट है, और लड़स से अब 30th June आ चुका है, तो रूल कहता है जिस दिन ऑर्डर पास हुआ ना बस वहां तक की ही लाइबिलिटीज के लिए आई एम लाइबल, उसके बाद अगर आप फर्म ने कोई लाइबिलिटी इंकर करी है तो उसके लिए ये इंसॉल्वेंट पार्टनर लाइबल नहीं होगा, ना फर्म उसके एक्ट के लिए लाइबल होगी। तो यहां पे लिखा है द फर्म विल ऑल्सो नॉट बी लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर आफ्टर द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन। मतलब एक बार अगर किसी इंसॉल्वेंट पार्टनर का ऑर्डर आ गया तो उसके बाद से फर्म की लाइबिलिटीज के लिए ना वो पार्टनर लाइबल है, ना पार्टनर की एक्शंस के लिए फर्म लाइबल है। श्योर अबाउट दिस? सो इट्स वाइस वर्सा। अब रूल कहता है ऑर्डिनरीली बट नॉट इनवेरिएबली द इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर कैन रिजल्ट इन डिसोल्यूशन, बट द पार्टनर्स अगर कंपिटेंट हैं और वो एग्री करते हैं कि एडजुडिकेशन होने से, एक पार्टनर का एडजुडिकेशन ऑर्डर पास होने से हम फर्म को डिसॉल्व नहीं करेंगे, बाकी के लोग हम कंटिन्यू करेंगे, तो कंटिन्यू किया जा सकता है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो बस इसमें इतना ही समझना है कि इंसॉल्वेंसी में जैसे ही एक ऑर्डर पास होता है ही इज नो मोर अ पार्टनर, एंड एज ही इज नो मोर अ पार्टनर फर्म की कोई एक्ट से जो भी लाइबिलिटी इंकर होती है उसके लिए पार्टनर लाइबल नहीं होगा, और उसके ऑर्डर की डेट से पार्टनर अगर कुछ करता है तो उसके लिए फर्म भी लाइबल नहीं होगा। श्योर अबाउट दिस? कम टू सेक्शन 35। अब ये सेक्शन 35 जो है इट टॉक्स अबाउट डेथ ऑफ पार्टनर। ओके, डेथ ऑफ पार्टनर।
तो हमने क्या क्या देखा, एडमिशन, रिटायरमेंट, एक्सपल्शन, इंसॉल्वेंट और अब हम डेथ देख रहे हैं। तो ऑर्डिनरीली ऐसे तो डेथ होने पर फर्म डिसॉल्व होती है, बट जैसे हमने पीछे भी पढ़ा, बट रूल है कि अगर फर्म एक आदि की डेथ से फर्म अभी भी चलना चाहिए और उन बीच में पार्टनरशिप में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और बाकी के लोग कंपिटेंट है, तो याद रखना डेथ का पार्टनरशिप फर्म पे कोई असर नहीं होता। द पार्टनरशिप फर्म कैन कंटिन्यू सब्जेक्ट टू सर्वाइविंग पार्टनर्स आर एटलीस्ट टू, कॉमन सेंस, दो ही होते और एक की डेथ हो जाती तो चलता क्या? नहीं। रूल कहता है इन ऑर्डर दैट रियल एस्टेट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर्स मे बी एब्सॉल्व फ्रॉम लायबिलिटी फॉर द फ्यूचर ऑब्लिगेशन इट इज नॉट नेसेसरी टू गिव नोटिस आइदर टू द पब्लिक और द पर्सन हैविंग डीलिंग विद फर्म। यहां पर ये चीज का एक्सेप्शन दिया है। अब इसका मतलब क्या है, थोड़ा ध्यान से देखिए। रूल कहता है यहां पर 26 मई को एक पार्टनर था मिस्टर सी, उसकी डेथ हो गई, ठीक है। अब 31 मार्च 2021 आ गया, साल खत्म हो गया और इस ईयर पर कंपनी की लायबिलिटी थी 5 करोड़, जिसमें से ये डेट से लेकर ये डेट ही 3 करोड़ है उसके अंदर लायबिलिटी। तो अब फर्म जो है या थर्ड पार्टी जो है वो मिस्टर सी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव से मांग रहे हैं। उन्होंने कहा हम लायबल नहीं है, तो क्रेडिटर्स ने कहा मिस्टर सी लायबल है बिकॉज उसने कोई पब्लिक नोटिस नहीं दी कि उसकी डेथ हो गई है या उसके रिमेनिंग पार्टनर्स के तरफ से कोई नोटिस नहीं आई है, कोई कम्युनिकेशन नहीं आया है कि उसकी डेथ हो गई है। तो रूल कहता है सेक्शन 35 में गाइस एग्जेम्पशन दिया गया है कि अगर आपकी डेथ होती है तो आपको ना तो पब्लिक को ना कोई दूसरे जो आपसे फर्म के साथ डील करते हैं उन्हें नोटिस देने की जरूरत है। डेथ में आपको एक एक्सेप्शन बनाया रखा है, जिस दिन डेथ हुई उतने तक ही लायबिलिटीज के लिए पार्टनर का एस्टेट इज लायबल, डेथ के डेट के बाद से कोई भी लायबिलिटी के लिए जिसकी डेथ हुई है उसका पी और पी प्रॉफिट्स एंड प्रॉपर्टी विल नॉट बी लायबल। श्योर, तो डेथ में याद रखना नोटिस देना जरूरी नहीं है, लेकिन आपने पीछे 15-20 मिनट पहले देखा रिटायरमेंट पे पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। श्योर अबाउट दिस? पक्का एवरीबॉडी? सेक्शन 36, सेक्शन 36 कहता है जब एक पार्टनर अब छोड़कर चला जाए, ठीक है, एक आउटगोइंग पार्टनर जब बिजनेस को छोड़ के चला जाए तो वो कंपीटिंग बिजनेस कर सकता है, याद रखिए वो कंपीटिंग बिजनेस कर सकता है और वो अपने बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट भी कर सकता है, लेकिन 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 उसने जिस फर्म को छोड़ा उसकी फर्म का नाम नहीं ले सकता, वो ये नहीं बोल सकता कि मैं वही फर्म का पार्ट हूं, और वो अपनी पुराने फर्म के कस्टमर्स को भी सॉलिसिट नहीं कर सकता। तो इतना याद रखना है अगर कोई पार्टनर छोड़कर जाता है तो वो कंपीटिंग बिजनेस तो कर सकता है लेकिन ना वो अपने पुराने फर्म का नाम यूज करेगा, ना वो ये बताएगा कि उस फर्म के साथ उसका अभी भी रिश्ता है, ना वो पुराने फर्म्स के कस्टमर्स को सॉलिसिट करेगा। क्लियर? मैं 2 मिनट यहां पर सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लेकर आया हूं क्योंकि सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में एक है कि एग्रीमेंट एंड रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, मतलब अगर ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जिसमें आप किसी के बिजनेस या प्रोफेशन को करने से रोकते हो तो ऐसे सब एग्रीमेंट्स वॉइड होते हैं। लेकिन उस सेक्शन में ये क्लियर लिखा था कि अगर एक पार्टनर चाहे तो दूसरे पार्टनर्स के साथ अरेंजमेंट कर सकता है कि जो भी फर्म छोड़ेगा वो कुछ समय तक, स्पेसिफाइड पीरियड तक या स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स तक वो बिजनेस नहीं कर सकता, उसके बाद वो कर सकता है। क्लियर? अब यहां पर ये स्पेसिफाइड क्या है, हम बोलेंगे रीजनेबल, और आपको मालूम है कि रीजनेबल की डेफिनेशन लॉ में नहीं होती बिकॉज रीजनेबल सबके लिए अलग अलग है, इट इज अ सब्जेक्टिव टर्म, सो इट विल डिपेंड अपॉन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस। मतलब पहली बात तो आप जा रहे हो, आप कंपीटिंग बिजनेस कीजिए, फर्म का नाम यूज मत कीजिए, फर्म के कस्टमर्स को सॉलिसिट मत कीजिए और ये मत बताइए कि आप फर्म का पार्ट है। दूसरा, अगर सब पार्टनर्स ने मिलकर ये पहले से एग्रीमेंट में डिसाइड किया था कि जो भी पार्टनर छोड़ के जाएगा वो अगले 6 महीने तक ये बिजनेस नहीं कर सकता,
या रादर ये 6 महीने तक ये एरिया में बिजनेस नहीं कर सकता, तो रूल कहता है फिर आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। श्योर अबाउट दिस? पक्का। सेक्शन 37 क्या कहता है? राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर इन सर्टन केसेस टू शेयर सब्सिक्वेंट प्रॉफिट्स। वेरी नाइस। अब सेक्शन 37 क्या कहता है देखिए, सेक्शन 37 कहता है कि अगर एक पार्टनर छोड़कर चला गया, समझ लीजिए रिटायर हो गया, ठीक है, और रिटायर होने के बाद फर्म ने अभी तक उसे सेटल नहीं किया है, फर्म ने उसका जितना भी पैसा बनता है उसको सेटल नहीं किया है, तो क्या होगा? रूल कहता है ऑल्दो द प्रिंसिपल एप्लीकेबल टू सच इज क्लियर, बट एट सम टाइम्स इट कॉम्प्लिकेट्स द क्वेश्चंस अराइजिंग और डिस्प्यूट्स अराइज बिटवीन द आउटगोइंग ऑन द वन हैंड एंड द कंटिन्यूइंग और सर्वाइविंग ऑन द अदर इन रिस्पेक्ट ऑफ सब्सिक्वेंट बिजनेस। सच डिस्प्यूट्स आर टू बी रिजॉल्व्ड कीपिंग इन व्यू द फैक्ट्स ऑफ ईच केस रिगार्डिंग सेक्शन 37। सो इतना सब सिंपल है कि अगर आपका सब लाइबिलिटी जो है वो सेटलमेंट नहीं हुआ है अब तक, आपके अकाउंट्स का सेटलमेंट नहीं हुआ है, तो आपको जो भी आपका अमाउंट है उस पे 6% इंटरेस्ट मिलेगा, या तो यू विल कंटिन्यू टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ फर्म इवन आफ्टर यू हैव लेफ्ट। तो अगर आपने कोई फर्म छोड़ दी है और आपका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट नहीं हुआ है, तो ध्यान रखें आपका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होना है। एक तो फर्म जो है वो शेयर करेगा प्रॉफिट्स आपके साथ, बिकॉज अब तक उसने आपको आपका सेटल नहीं किया है, या तो आपको इंटरेस्ट जो भी आपका बनता है पैसा उस पर आपको इंटरेस्ट देना शुरू करेगा। आइदर वन ऑफ दैट विल हैपन। आप बोलोगे सर ये लेकिन दे क्यों नहीं दे रहे? ऐसा नहीं रहता है भाई। अभी अचानक से सोचिए, इधर कंपनी का फिक्स असेट 1 लेता हूं मैं, फिक्स असेट 2, फिक्स असेट 3, ठीक है, और यहां पर हम बात करेंगे कैपिटल की। अब मुझे बताइए अगर लाइबिलिटीज बढ़ते चली गई, अगर लाइबिलिटीज कंटिन्यू टू इंक्रीज एंड टू पे ऑफ द लाइबिलिटीज इवन इफ यू सेल दीज असेट्स इट विल नॉट दैट मच वर्थ, तो अब करें तो क्या करें? तो रूल कहता है ऐसे समय में जो भी आपकी इन्वेस्टेड कैपिटल है आप उस पर 6% ले लीजिए, या तो फिर फर्म के साथ प्रॉफिट शेयरिंग जैसा हम गाना गाते थे वो वाला पार्ट कर लेना है। श्योर अबाउट दिस? पक्का एवरीबडी? तो इसके बाद सेक्शन 38, द लास्ट सेक्शन 38 क्या कहता है? सेक्शन 38 कहता है अ कंटिन्यूइंग गारंटी गिवन टू अ फर्म और अ थर्ड पार्टी इन रिस्पेक्ट टू अ ट्रांजैक्शन इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रेरी इज रिवोक्ड विद रिस्पेक्ट टू फ्यूचर ट्रांजैक्शंस इफ देर इज एनी चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। इसका मतलब समझ लीजिए, इफ देर आर 3 पार्टनर्स मिस्टर ए बी एंड सी, और ये फर्म ने समझ के चलिए कि गारंटी दी थी किसी थर्ड पार्टी को, गारंटी दी थी किसी थर्ड पार्टी को, अब कल जाकर समझ लीजिए अगर मिस्टर सी की डेथ हो जाती है, यस, तो आपका फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन तो चेंज हो गया। रूल कहता है जैसे ही फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो जाता है, जो आपने थर्ड पार्टी को गारंटी दी थी वो गारंटी भी रिवोक हो जाएगी, मतलब कैंसल हो जाएगी। अब वो लायबिलिटी, वो जो गारंटी है, अब वो उस गारंटी पर सामने वाला आपसे पैसे नहीं मांग सकता। तो इस सेक्शन 38 से इतना कहता है कि अगर आपने कोई कंटिन्यूइंग गारंटी दी हो और अगर फर्म के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज है तो आपकी दी हुई गारंटी भी कैंसिल हो जाएगी। ऑब्वियसली यहां पर क्लियर लिखा है बट ओनली विथ रिस्पेक्ट टू फ्यूचर ट्रांजैक्शंस। जिस पर्टिकुलर चीज के लिए आपने गारंटी दी थी अगर उसमें से कुछ पार्ट पहले हो चुका है या कुछ ट्रांजैक्शंस पहले हो चुके हैं तो उसके लिए तो यू विल बी लायबल। रिवोकेशन इज ओनली विथ रिस्पेक्ट टू फ्यूचर ट्रांजैक्शंस, नॉट विथ रिस्पेक्ट टू दोज ट्रांजैक्शंस विच वर कवर्ड अंडर द गारंटी। क्लियर? श्योर अबाउट दिस एवरीबडी? सो दिस वॉज सेक्शन 31 से लेकर सेक्शन 38। ये 38 था, 37, 36, 35, 34, 33, 32 एंड 31। श्योर अबाउट दिस? तो ये सेक्शन 31 से 38 हमने किया, जिसमें हमने एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, एक्सपल्शन, इंसॉल्वेंसी, और फिर अगर कोई छोड़कर जाता है तो उसकी क्या लाइबिलिटीज रहेगी और थर्ड पार्टीज के साथ कैसे होगा, ये सब हमने इस पार्ट में देखा। होप यू लाइक दिस। अगर अच्छा लगा तो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच। Thank you.